राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जिले में रीट परीक्षा के निष्पक्ष आयोजन के लिए पुख्ता प्रबंध प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए। 38,052 अभ्यर्थियों के लिए 31 केंद्रों पर 2 दिनों में 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश द्वार से लेकर परीक्षा उपरांत बाहर निकलने तक संपूर्ण समय परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहे। साथ ही अधिकारी परीक्षा केंद्रों का दोहरा कर व्यवस्थाओं पर पैनी नजर बनाए रखे। पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने प्रत्येक परीक्षार्थी की गहन जांच के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया। सरहदी बाड़मेर में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 बाड़मेर जिले में 31 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। दूसरे दिन की प्रथम पारी और दूसरी पारी में अभ्यर्थियों को गहन तलाशी के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। रीट परीक्षा को सरकार द्वारा विभिन्न सुरक्षा चक्र और इलेक्शन मोड पर करवाए जाने के निर्देश के बाद इस बार जिला प्रशासन और पुलिस गंभीर नजर आया। बाड़मेर में रीट परीक्षा 2022 के दूसरे दिन पहली पारी में कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए गए और अभ्यर्थियों को भी गहन जांच पड़ताल के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। वहीं परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद बाड़मेर के कलेक्टर लोकबंधु यादव और एसपी दीपक भार्गव बीच परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और औचक निरीक्षण कर परीक्षा सुचारू पारदर्शिता और किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि हुए बिना संपन्न हो इसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने कहा कि इस बार परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम थे। इसका नतीजा है कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है और आज पहली और दूसरी पारी में परीक्षा सुचारू रूप से हुई। परीक्षा के दूसरे दिन को लेकर भी जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी की गई थी। वहीं परीक्षा केंद्रों में नकल को रोकने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने अभय कमांड के सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस अधिकारी लगातार परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखे हुए थे। दोनों दिनों की परीक्षा के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने राहत की सांस ली।